अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग कर्बला में हैं और मैं आप लोगों को ज़ियारत लेके जा रही हूँ। पहले हम हज़रत अब्बास के रोज़े पे जाएंगे क्योंकि प्रोटोकॉल ये है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि उनके साथ हुए, उनके गार्ड भी थे, उनके प्रोटेक्टर भी थे, तो मेरे ख्याल में हज़रत इमाम से मिलने से पहले हज़रत अब्बास को सलाम देना और उनसे अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। हम हज़रत अब्बास की तरफ जा रहे हैं, फिर हम हज़रत इमाम हुसैन के ज़ियारत पे जाएंगे, उनके रोज़े पे जाएंगे। उनके दोनों आसपास ही हैं आसपास, और दोनों ही कायनात की बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। तो लेट्स गो। सुभान अल्लाह, सुभान। हुआ कैसे तन से ये सरजुदा, जहाँ इश्क है वहीं कर्बला। हुआ कैसे तन से ये सरजुदा, जहाँ इश्क है वहीं कर्बला।
फिर से बताएं, सॉरी। ये फर्स्ट खेमा हजद अब्बास, यहाँ पर खेमा अलफज अब्बास लिखा हुआ है जी, क्योंकि फौज के सालार थे, सिपा सालार थे। इसके बाद इमाम हुसैन का खेमा है, वो मेहराब है जहाँ पर इमाम हुसैन ने शब आशूर यहाँ गुजारा, असर आशूर भी यहाँ गुजारा। और इसके बीच में ये ज़ैनब का है, पीछे जो है इमाम सज्जाद का खेमा है, और आखिर में एक अलग खेमा है, वो शहजादा कासिम का खेमा है। तो ये सब टेंस थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यहाँ पर खेमों को जलाया गया, बीवी सकीना को यहाँ पर तमाचे मारे, बहुत से जो है रजलूम यहाँ पर फौज के अलामदार थे। तो पहला खेमा हजरत अब्बास का है, इसके बाद इमाम हुसैन का खेमा है। गाइस, नूर ने मुझे बात नोटिस कराई कि देखिए वो अलमदार थे ना, उसकी सबसे पहले उनका खैमा है, जैसे कि शी सेड कि ही यूज्ड टू बी प्रोटेक्ट गार्ड हज़रत इमाम हुसैन ऑलवेज। ये जी हज़रत इमाम हुसैन का खैमा है। ये हज़रत ज़ैनब का खैमा है। इमाम हुसैन के पीछे ये खैमा है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का है। वो ये हज़रत इमाम हुसैन का, और उसके पीछे ज़ैनुल आबिदीन का। ये हज़रत कासिम का खेमा है, देखने ठीक हो गई है कि वो हमारे आगरा के खेमे थे थोड़े से, और ये मेरे शराब है और ये इतना मुश्किल था, थोड़े जितने भी हज़रत इमाम हुसैन के सहाबी थे उनका नाम यहाँ लिखा है। गाइस, ये है नहरे फरात जहाँ पे उसका पानी बंद कर दिया गया था शहजाद से, कायनात के शहजादे शहजादियों को उसका पानी बंद कर दिया गया था। ये नहर है और आज उन्हीं का ये लोग खा रहे हैं, उन्हीं की ज़ियारत को मुकामत बना के ये लोग खा रहे हैं। हाय गाइस, सो टुडे इज़ आर लास्ट डे इन करबला, 3 दिन हम रुके हैं यहाँ पे और आज हम वापस आ रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं और अभी हम वापस नजफ़ जाएंगे, वहाँ 2 दिन रुकेंगे और फिर हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो दिस वाज करबला, आई होप आप लोगों ने ज़्यारतें की, देखा बहुत प्यार मिलता है तमाम अब्बास से, पर यहाँ करबला में ना एक अजीब सी कैफियत रहती है आपकी, क्योंकि
यहाँ पे जो हो चुका हुआ है, जो हिस्ट्री रह चुकी हुई है, जो जुल्म हो चुका हुआ है, फिर हम सादात भी हैं तो हम बहुत कद में भी रहते हैं, बीमार भी रहे हैं हम लोग, और बस क्या कह सकते हैं। एनीवे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।